डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मार्क जूलियर है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क सिटी का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक छोटा सा बिजनेसमैन कहलाया जाता हूँ, लेकिन असल में मैं सरकार के लिए काम करता हूँ। पहले मैं यहाँ पर एक शेरिफ हुआ करता था, यानी कि पुलिस में काम करता था। उसके बाद मैं FBI में चला गया क्योंकि मेरा चुनाव कर लिया गया था। मैं बहुत तेज़ दिमाग हूँ। धीरे धीरे वहाँ से मैं CIA में कब काम करने लगा इसका तो मुझे भी पता नहीं चला। एक खुफिया मिशन में मैं FBI की तरफ से गया हुआ था और CIA के कई कर्मचारी मेरे साथ काम कर रहे थे। 15 गैंगस्टर थे और हमारी संख्या सिर्फ 5। हम बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे और एक पल के लिए हमें लगा था हम यहीं पर शहीद होने वाले हैं, लेकिन वहाँ मैंने दिमाग लगाना शुरू कर दिया था। मैंने बड़ी मुश्किल से उन सबको फंसाना शुरू कर दिया, बातों में उलझाना शुरू कर दिया। मैं बातों में किसी को भी उलझा सकता हूँ, उन्हें खुद पर यकीन करवा ही लेता हूँ और वो आपस में लड़ने लगे थे। उन 15 गैंगस्टर्स ने आपस में गोली चलानी शुरू कर दी और किसी तरह बचकर हम वहाँ से भाग निकले थे और उन्हें भी अंत में हमने मार ही गिराया था जब हमारे हाथ में ऑटोमेटिक मशीन गन लग गई थी। सब ने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ की थी। उसके बाद मुझे CIA में भेज दिया गया था। मैं किस तरह तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता गया मुझे पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन काम मुझे फिर भी वही करना पड़ता था, यानी कि उस ग्रॉसरी शॉप को चलाना, एक बिजनेसमैन कहलाना। जब भी मुझे मिशन दिया जाता मैं इसी काम का बहाना लगाकर उस शहर में जाता, काम निपटाता और वापिस आ जाता। ना कोई सबूत बचता, ना किसी को पता चलता और कोई गवाह नहीं। इस तरह मैं काम करता जा रहा था और खास खुफिया मिशन में मुझे ही भेजा जा रहा था। पिछले 5 सालों से मुझे ऐसे मिशन पर भेजा जा रहा था जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। शायद ये हर किसी को जानना चाहिए, लेकिन उन्हें बताया नहीं जाता। हमारे बीच ही मॉन्स्टर्स रहते हैं जो इंसानों के शरीर में ही रहते हैं। मुझे नहीं पता वो कब नजर आते हैं और कब नहीं नजर आते हैं। वो जानकारी मुझसे छिपाई गई है। CIA में कुछ बड़े औहदे वाले लोग ये जानते हैं वो मॉन्स्टर हमें किस तरह नुकसान पहुंचाते हैं। कई लोग उन्हें भूत प्रेत कहते हैं, लेकिन असल में वो भूत नहीं है, वो जिंदा जीव है जो हमारे आसपास ही रहते हैं, छिपकर रहते हैं, हमें नज़र नहीं आते, लेकिन कभी कभी किसी जगह पर वो सामने आ जाते हैं और लोगों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। वो किन का शिकार करते हैं वो भी मैं पता नहीं लगा पाया। वो जानकारी मुझे नहीं दी जाती थी, लेकिन पिछले 5 सालों से मैं उन भयानक जीवों का सामना कर चुका था। उनका कद 7 से 8 फुट होता है, बिल्कुल इंसानों जैसे लगते हैं, लेकिन हम पर हमला करते हैं, बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं। उनके लिए हथियार भी अलग से बनाए गए हैं, ऐसी मशीन जिनसे हवा निकलती है, लेकिन वो वाइब्रेशन के साथ हवा निकलती है जो उनके शरीर को बहुत ज़्यादा ढीला कर देती है। वो हमसे लड़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अंत में मात खा ही जाते हैं। मुझसे कहा गया था कि मेरी एक और प्रमोशन होनी है। मैं CIA से भी ज़्यादा खुफिया एजेंसी में जाने वाला था जो इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए ही बनाई गई थी। जब से मैंने एक मॉन्स्टर का सामना किया था, उसे मार गिराया था, मुझे ये जानकारी दे दी गई थी कि मैं वहाँ पर काम कर सकता हूँ। इन मॉन्स्टर्स के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता, बस अफवाहें फैला दी जाती हैं कि ये भूत प्रेत हैं और सरकारें इसमें सबसे बड़ा काम करती हैं। वो लोगों को जानने नहीं देना चाहती कि ये मॉन्स्टर्स जिंदा हैं और हमारे आसपास रहते हैं, ताकि लोग डर ना जाएं। हम इंसानों को वो ख़त्म करना चाहते हैं, शायद यही उनका मकसद है। मैं 5 अप्रैल को एक नई जगह पर पहुंचा था, नेवाडा। इसे एक बंजर रेगिस्तान कहा जाता है और यहीं पर Area 51 भी है। मुझे लगा था मैं Area 51 में जा रहा हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक सी जगह थी ये। यहाँ पर वीरान टीले पर मुझे छोड़ दिया गया था हेलीकॉप्टर के सहारे और मैं अकेला एक भारी सा बैग लिया सूट पहने हुए खड़ा था।
दो घंटे उस धूप में खड़े खड़े मेरा गला सूख चुका था और पानी की एक बोतल तक मुझे नहीं दी गई थी। मैं इंतजार करता रहा था, कोई ना कोई तो आएगा यहां पर। दो घंटे मैं इंतजार करता रहा और वहां पर मिट्टी खिसकने लगी। ये रेगिस्तानी इलाका था, यहां पर रेत जब खिसकती है तो जमीन में कोई ना कोई गड़ जाता है, यहीं पर हमारी कब्र बन सकती थी। और मैं उस रेत से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो रेत हटी, नीचे से सीढ़ियां नजर आई। यहां अंडरग्राउंड ऑफिस बनाया गया था, अंडरग्राउंड बेस बनाया गया था। उन सीढ़ियों के सहारे मैं नीचे उतरता गया और एक आवाज मेरे कान में पड़ रही थी। मैं बार बार इधर उधर झांकता, कहां से वो आवाज मेरे कान में आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने हेडफोन लगाए हों, लेकिन मेरे कान में कुछ भी नहीं था। कोई मेरे जैसे कान में बोलकर चला जाता और नजर तक नहीं आता। उन सीढ़ियों से उतरते वक्त घबरा रहा था मैं। इतनी खुफिया एजेंसी, यहां पर मैं काम करने वाला हूं, इनकी तो तकनीक भी बहुत अलग होगी ना, इनके काम करने का तरीका भी बहुत अलग होगा ना। उन सीढ़ियों से उतरकर जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, मुझे आसपास महसूस होता गया कोई ना कोई यहां पर मौजूद है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मेरे कपड़े हिल रहे थे, मेरे कपड़ों पर छूने का एहसास हो रहा था, जैसे मेरे शरीर में क्या क्या है चेकिंग की जा रही थी। मेरी जेब अपने आप हिलती, जैसे कोई उसमें हाथ डाल रहा हो, लेकिन दिखता मुझे कोई भी नहीं। वहां सामने एक स्क्रीन लगी हुई थी, वहां पर उसके बाद मेरे लिए मैसेज आया कि मैं आगे जा सकता हूं। मेरी चेकिंग कर ली गई थी, मुझे कोई दिखाई तक नहीं दिया और सामने वाला दरवाजा खुल गया। मैं उस खुले दरवाजे से आगे की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही मैं काफी आगे पहुंचा, मुझे एक लंबा चौड़ा आदमी दिखा। उसने शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं पहन रखा था और वो मुझे अंदर आने के लिए कहने लगा। मुझे भी कहा गया कि मैं सारे कपड़े उतार दूं, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी। मैंने कहा, ये कैसा ऑफिस है जहां पर मुझे कपड़े उतारने होंगे, वैसे भी मैं यहां पर अपॉइंट अभी तक हुआ नहीं हूं। वो हंसने लगा था और उसने कहा, पहने रहना चाहते हो तो पहने रहो। मैं अब आगे बढ़ने लगा था, थोड़ा सा आगे बढ़ा था और वहां ऊपर से पानी की बौछार पड़ रही थी। वो इसी तरह बिना कपड़ों के उस पानी की बौछार के बीच से निकल गया और वो बिल्कुल सही सलामत था, मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा था। मैं भी उसके पीछे पीछे उस पानी की बौछार के बीच से निकल रहा था, लेकिन वो पानी की बूंदें मेरे कपड़ों को पिघला रहे थे। मेरे कपड़े जैसे पानी की तरह पिघल रहे थे, शायद ये कोई एसिड है। मेरे कपड़े पिघले जा रहे थे और धीरे धीरे सारे कपड़े पिघल गए, लेकिन मेरे शरीर को दर्द तक नहीं हुआ, कुछ महसूस हुआ ही नहीं। मैं भी पूरी तरह से नग्न हो चुका था। उसके बाद उसके पीछे पीछे ही मैं चल पड़ा और आगे उसने मुझे सफ़ेद रंग का सूट पहनने के लिए कहा। ये सूट ऐसा लग रहा था जैसे अंतरिक्ष में जाने वाला सूट हो। मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और वो सूट पहन लिया। मैं उससे पूछना चाहता था कि आपका नाम क्या है, लेकिन मेरे इन शब्दों पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और कहने लगा, तुम्हें शायद बताया नहीं गया है, नाम नहीं लेना है, किसी को भी किसी और ही नाम से बुला सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन किसी का कभी एक नाम नहीं रखना है, उसका असली नाम नहीं जानना है, हम यहाँ पर ऐसे ही काम करते हैं। जब मैं आगे चला गया तो एक कांच वाले कमरे में मुझे पहुँचा दिया गया। वहाँ ये ऐसा कांच था कि बाहर से अंदर सब कुछ देखा जा सकता था, लेकिन मैं जैसे ही उस कमरे के अंदर पहुँचा था, मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था। वो सफ़ेद सूट भी मेरे शरीर से उतरवा दिया गया था। वहाँ एक बेड लगा हुआ था, वो बेड भी लोहे का था, वहीं पर मुझे सोना था। मुझे कोई पिलो नहीं दिया गया था, मुझे जेल की तरह यहाँ पर रहना था बिना कपड़ों के, और बाहर से हर कोई मुझे देख सकता था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, शायद यहाँ ट्रेनिंग बहुत खतरनाक होने वाली है। पहले दिन मैं बहुत ज़्यादा बोर हुआ था, मैं दोपहर के वक्त वहाँ पहुँचा था और पूरा दिन वहीं पर बिताया था मैंने। अगली सुबह जब मैं उस कमरे से बाहर निकला तो आगे मुझे एक बड़े से हॉल में पहुँचा दिया गया। वहाँ चार और लोग थे, वो भी मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं उनकी तरफ देख रहा था। वो ऊपर देख रहे थे, नीचे देख रहे थे, जगह को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। CIA में मुझे ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे लोगों का दिमाग पढ़ा जा सकता है। ये भी मेरी तरह ही नए थे, यहाँ शायद इन्हें भी ट्रेनिंग के लिए लाया गया था। वो लंबा चौड़ा आदमी सामने खड़ा हो गया और हमसे बातें करने लगा। वो सबसे पहले तो कह रहा था, आपको जो भी CIA में सिखाया गया है वो सब आपको भूलना होगा,
वो ट्रेनिंग बहुत कमतर है, बहुत पुराने ज़माने की है, और यहाँ पर आपको जो जो सिखाया जाएगा सबसे एडवांस है। हम पर इस तरह से भरोसा करना है कि अगर हम कहें खुद को गोली मार लो तो मारनी होगी तुम्हें। यहाँ देश के नाम तुम्हें पूरी तरह से होना होगा। जब शहादत का वक्त आए बिना सोचे खुद को मार लेना है। सबसे पहले तो हमें कराटे सिखाए जा रहे थे, ये मुझे पहले से आते थे। किसी को किस तरह से ढेर करना है मैं जानता था, लेकिन उस हॉल को जब बंद कर दिया गया था वहाँ पर जैसे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हम अपनी टांगों पर खड़े तक नहीं हो पा रहे थे, ज़मीन से मैं भी लिपट चुका था। उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन उठ नहीं पा रहा था। ग्रेविटी यहाँ पर जैसे 5 गुना तक बढ़ चुकी थी। घबराहट हो रही थी, सांस नहीं आ रही थी। और सामने से चलकर आता एक आदमी दिखा। उसने सफ़ेद रंग का सूट पहन रखा था जबकि हमने कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे। उस सूट पर लोहा भी लगा हुआ था और हमें कहा गया था 5 मिलकर भी अगर उसका मुकाबला कर पाएं तो हमें करना होगा। अब कोशिश कर रहे थे उठने की, उठा तक नहीं गया। वो आया, उसने एक एक मुक्का सबको लगाया और उसके एक मुक्के से ही हर एक बेहोश हो रहा था। और सच बताऊं, जब सबको चोट लग रही हो और आप सामने इंतज़ार कर रहे हो कि आपको भी वैसा ही मुक्का मारा जाएगा, घबराहट बहुत बढ़ने लगती है। आप इंतज़ार नहीं कर पाते, आप कहने लगते हैं पहले मुझे ही मार दो ना, मैं सह नहीं पाऊंगा, मैं देख नहीं पाऊंगा। मेरी बारी सबसे अंत में आई थी, मैं बहुत घबरा चुका था और उसके बाद एक मुक्का जब मेरे चेहरे पर पड़ा शायद मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया वहीं पर उठा था मैं और 5 मिनट हो चुके थे। ग्रेविटी बिल्कुल सही थी। ये एंटी ग्रेविटी वाला रूम बनाया गया था जहाँ पर ग्रेविटी कम भी की जा सकती थी, बढ़ाई भी जा सकती थी। अब फिर से वो आदमी सामने खड़ा था। हमारे चेहरे पर चोट के छोटे छोटे निशान थे, जो उसने मुक्का मारा था ये उसके थे। अब हम 5 को कहा गया था कि उस अकेले को ढेर करना है और यहाँ पर ग्रेविटी भी ऐसी ही मिलेगी। साधारण ग्रेविटी पर हम 5 ने छलांग लगा दी थी। उस पर हम उसे पकड़ना चाहते थे लेकिन उसकी रफ्तार तब दिखी थी। मैंने दुनिया में कभी भी इतनी तेज रफ्तार वाला इंसान नहीं देखा। हम जैसे ही छलांग लगाते 5 उसे घेर कर पकड़ने की कोशिश करते, हमारे बीच से वो निकल जाता जैसे हवा की तरह लहरा रहा था। ना उसकी बाजू पकड़ी जाती, ना उसकी टांगें पकड़ी जाती। हम 5 एक दूसरे से बात कर रहे थे, इकट्ठे छलांग लगानी होगी, एक ही पैर पकड़ते हैं, उसे निकलने नहीं देंगे, घेरा बनाकर धीरे धीरे घेरा छोटा करेंगे, बीच से वो निकल नहीं पाएगा। लेकिन वो छलांग लगाता तो 8-10 फुट ऊपर तक लगाता और कुछ समय हवा में लहराने लगता। फिल्मों में ऐसे सीन दिखाए जाते थे कि कोई हवा में इस तरह से उड़ता हुआ आगे तक जा सकता है, हम अपनी आँखों से देख पा रहे थे। उसने ये सब किया था और हम पकड़ नहीं पा रहे थे। उसके बाद ऊपर सायरन बजा था और हमें कहा गया था अब वो भागेगा नहीं, खड़ा रहेगा, तुम्हें उसका मुकाबला करना है, उसे मारना है, पीटना है, और अगर जान से मार सकते हो तो और भी अच्छा होगा। हम 5 एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। हमारी तरफ छोटे छोटे चाकू फेंक दिए गए थे। उन चाकुओं के सहारे हम अगर उसे मार भी पाए तो हमें मारने का हुक्म था। हमने कोशिश की लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज, वो हमसे बच रहा था, हमें कुछ नहीं कह रहा था। और अब सायरन बजा और कहा गया था अब वो भी हमें मार सकता था, और उसने बस हाथों की उंगलियों से हमें मारना शुरू किया। जैसे हम छोटे छोटे कंचों को उंगलियों से मारते हैं, उसकी उंगली छूती हमें और 5-10 फुट पीछे उड़ उड़ कर गिरते। वो इतना शक्तिशाली था, सिर्फ उंगलियों से हमें मार पा रहा था और 5 को इस तरह से पीटा था उसने, हम बता नहीं सकते। हमारी हड्डियां तोड़ दी गई थी, मेरी तो रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, मेरी कलाई की हड्डी टूट चुकी थी, और मैं जानता था रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद हम दोबारा उठ नहीं सकते। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये कैसी ट्रेनिंग थी, पहले ही दिन हमें अपाहिज बना दिया गया, हम दोबारा उठने के लायक ही नहीं बचे। हमें वहां से उठाया गया था, दर्द बहुत हुआ था। हमें एक बड़े से कांच के सिलेंडर में रखा गया था और उसके अंदर बिजली के झटके से पड़ रहे थे लेकिन मध्यम मध्यम से पानी भर दिया गया था, सांस नहीं ली जा रही थी। और उसके बाद जैसे उस पानी से उड़ते हुए बुलबुले अपने आप नाक में पहुंचते और मैं सांस ले पाता, शरीर के अंदर कुछ तो हो रहा था। उस पानी में मैं अकेला नहीं था, जैसे कोई और भी था। मेरे शरीर के अंदर जो हड्डियाँ हैं वो हिलाई जा रही थी, मांस अपने आप हिल रहा था, दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था।
उस सिलेंडर में शरीर की हड्डियां दोबारा जोड़ी जा चुकी थी। मेरा शरीर फिर से बिल्कुल सही सलामत हो गया और पानी कम हुआ हमें बाहर छोड़ दिया गया। हम बिल्कुल ठीक थे। फिर से ट्रेनिंग शुरू, फिर से लड़ने की वो ट्रेनिंग शुरू कर दी और हमें सिखाया जा रहा था कौन से नए दांव पेच लगाने। ये ट्रेनिंग बहुत भयानक रूप से होती। हर रोज़ हमारी हड्डियां तोड़ी जाती, हमें नए नए पैंतरे सिखाए जाते और यकीन मानो हम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली से होते जा रहे थे। ग्रेविटी का कैसे सामना करना है हम समझते जा रहे थे। हमारे शरीर को तगड़ा बनाया जा रहा था, हमारे दिमाग को तगड़ा बनाया जा रहा था और लगभग 10 दिन बाद हम बहुत शक्तिशाली थे और उसका मुकाबला कर पा रहे थे। 10वें दिन उस चाकू का इस्तेमाल किया था हमने। हमें जैसे एक गोलियां दी जाती, उन गोलियों को खाने के बाद शरीर और तगड़ा हो जाता। हमने उस चाकू से वो सूट फाड़ डाला था और पूरा सूट फाड़ने के बाद उसके अंदर के इंसान को भी जान से मारना चाहते थे, उसकी हड्डियां तोड़ना चाहते थे। कम से कम ये तो कर पाते। सूट फट गया था, उसके अंदर कोई नहीं था, खाली सूट लड़ रहा था हमसे, या उसके अंदर जो भी है वो दिखाई नहीं देता। फटे सूट से कोई निकला था बाहर लेकिन दिखा नहीं था, सूट नीचे गिर गया। उसके बाद हम लड़ने की कोशिश करते रहे लेकिन कोई था जो आसपास से हमें मार कर चला जाता, हड्डियां तोड़ कर चला जाता, दिखाई तक नहीं देता। पांचों पिटे थे हम, 11वें दिन पिटते रहे थे और हमें अब सिखाया गया था यहाँ पर जो अब से बताया जाना शुरू होगा उसे दिमाग में याद रखना है, तुम्हें खास सोल्जर बनाया जा रहा है। हमें अब एक खास रूम में ले जाया गया था। वहां पर खून जैसे दीवारों पर लगा हुआ था, जमीन पर लगा हुआ था। हमें ऑर्डर दिए गए थे, तुम पांचों में से एक का चुनाव होगा और चार मारे जाएंगे। चारों की लाशें बाहर फेंक दी जाएंगी, कह दिया जाएगा जानवरों ने इनको मार दिया या किसी एक्सीडेंट में ये मर गए। घर वालों को उनकी लाशें सौंप दी जाएंगी और उसके बाद एक जो बचेगा वो आगे बढ़ पाएगा और उसके बाद चार और नए लोग उसे दिए जाएंगे। इसी तरह से मुकाबला होता जाएगा और जो अंत में एक बचेगा उसे खास मिशन के लिए भेजा जाएगा। पूरी सच्चाई इस खुफिया एजेंसी की बताई जाएगी। हमें कहा गया था कौन कौन इसे ज्वाइन करना चाहता है, छोड़ने का मौका भी मिलेगा। इसके बाद पांचों में से एक ही जिंदा बचेगा, चार को मार दिया जाएगा। अपने देश के लिए कौन कौन मरना चाहता है और कौन कौन साधारण जिंदगी जीना चाहता है। हम पांचों ने हाथ खड़े किए थे, मैंने भी। जब मैं यहां पर आया था मैं सोच कर आया था मौत बहुत करीब होगी, मेरे देश के लिए मरने की हिम्मत है मुझ में। अब हमें एक एक बंदूक दे दी गई थी, उस बंदूक में गोलियां भी डाल दी गई थी। हमें अपने सर के बिल्कुल आगे बंदूक रखनी है, अपने सर में गोली मारनी है और जो जो मर जाएगा उसे यहां से बाहर फेंक दिया जाएगा। जो एक सर में गोली बजने के बाद भी तड़पता रहेगा उसे कुछ पल में ही बचाने की कोशिश की जाएगी और अगर उसका दिमाग पूरी तरह से नहीं फटा तो उसे ठीक करने की कोशिश होगी, बच पाया तो आगे भेज दिया जाएगा। अब थोड़ा डर और लगा था। इन्होंने कहा था चार में से एक ही बचेगा लेकिन यहां उस एक के बचने के चांस भी अरबों में एक ही है। हम पांचों ने अपने सर पर बंदूक रख ली थी, उसमें गोली भर ली थी। मैंने पहले चेक किया था ये नकली गोली तो नहीं, ये हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, हमारी हिम्मत तो नहीं देखना चाहते। लेकिन नहीं, मैं लगभग 15 सालों से ये काम कर रहा था, मुझे पता है असली गोली कैसी होती है, नकली गोली कैसी होती है, असली बंदूक कैसी होती है और नकली बंदूक कैसी होती है। मैंने सर पर बंदूक रखी हुई थी और वो गोली असली थी। वो गोली मेरे सर को फाड़ कर बीच से निकल जाती और हमारा दिमाग एक बार फट जाए, अंदर से कोई कुछ निकल जाए, उसे बचाया नहीं जा सकता। ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं है, ये गोली बस मार देगी और मुझे नहीं लगता हम पांचों में से कोई बचेगा। देश के लिए शहीद होने का अलग ही फख्र मिलता है। मैंने सर पर गोली रखी थी और वहां सायरन बजाया गया, वहां काउंटिंग शुरू हुई, 3, 2, 1, गोली हम पांचों ने चलाई थी। मैंने भी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि मैं वो दर्द शायद सह नहीं सकता था, लेकिन गोली मेरे सर से टकराई ही नहीं। हम पांचों ने आंखें खोली थी, कोई मरा नहीं था। पांचों की गोली उस बंदूक से निकल चुकी थी और पांचों की गोलियां हमारे सर और बंदूक के बीच में हवा में लटकी हुई थी। ऐसा लग रहा था किसी ने वो गोलियां पकड़ रखी हो। हम सब हैरान थे
और ऊपर से आवाज आई थी, पांचों का चुनाव हो चुका है। अब उन गोलियों को नीचे गिरते हुए देखा था। आसपास से एक एहसास हुआ था, मेरी ये गोली उस अदृश्य इंसान ने पकड़ी थी और बाकी सबके साथ भी ऐसा ही हुआ था। हमें बस डराया गया था, ये चेक करने के लिए था कि हम देश के लिए कुर्बान हो सकते हैं या नहीं। उसके बाद हमें अपने अपने कमरों में भेज दिया गया। ऐसी ऐसी ट्रेनिंग हर रोज होती कि यकीन नहीं कर पाते हम। जैसे मौत का एहसास करीब से कराया जाता, बार बार चेक किया जाता कि हम धोखा तो नहीं देंगे, लेकिन नहीं, हम पांचों हर बार पास कर लेते। उसके बाद लगभग 20 दिन और ट्रेनिंग चली थी और अंत में चुनाव कर लिया गया था। पांचों चुने गए थे हम और हमें सच्चाई बताई जानी थी। एक बड़ी सी जगह पर हमें भेजा गया था। इतने दिनों से हमने कोई कपड़ा पहना ही नहीं था और वहां पर बैठे हुए हमें कुछ कपड़े दिए गए थे। ये साधारण कपड़े थे। उन कपड़ों को देखकर इतनी खुशी हुई, बहुत समय बाद कपड़े पहनने का मौका मिला था। इतने समय से बिना कपड़ों के ऐसा लगने लगा था जैसे अलग ही दुनिया में रह रहे हैं। जब उस कपड़ों को पहनकर उस टेबल पर बैठे हुए थे, एक आदमी सामने आया था। मैं क्या बताऊं, वो इंसान था या क्या था, सूट पहना हुआ था उसने, लेकिन अंदर अदृश्य था वो। उसकी चमड़ी देखी नहीं जा सकती थी, जैसे पारदर्शी था वो। वो सामने खड़ा हो गया और थोड़ा थोड़ा चमकने लगा। जब भी वो चमक पड़ती, वो थोड़ा सा नजर आता और अचानक गायब हो जाता। अब सामने वही हट्टा कट्टा हमारा लीडर आकर खड़ा हो गया और हमें बताने लगा, ये सच्चाई तुम जानने वाले हो, धरती पर बहुत कम इंसानों को ये बताया गया है। हम एक जंग में हैं और ये जंग बहुत भयानक होती जा रही है। इस धरती पर सिर्फ हम ही नहीं रहते, ये अदृश्य मॉन्स्टर्स भी रहते हैं। ये इंसानों जैसे ही दिखते हैं, इनका कद 7 से 8 फुट तक होता है। मेरी तरफ इशारा करके कहा गया था कि ये पहले भी उनसे मुकाबला कर चुके हैं। बिल्कुल, मैं मुकाबला कर चुका था। और वो आगे बताने लगा, वो धीरे धीरे हम पर हावी होते जा रहे हैं। हम उन्हें मौत के घाट उतारना चाहते हैं। लोग उन्हें भूत प्रेत समझते हैं, लेकिन वो किसी और ग्रह से आए लगते हैं। ज़्यादा जानकारी हमें पता नहीं लग पाती, लेकिन उनसे मुकाबला करते रहना पड़ता है। उन्हें मारने की कोशिश करनी पड़ती है। और जो भी आप अदृश्य इंसानों को देख चुके हैं, ये उनके पास ही मौजूद हैं। ये उनसे युद्ध कर रहे हैं ताकि हम सुरक्षित रह पाएं। अब सच्चाई जानने का समय आ गया है। यहाँ धरती पर सिर्फ एक ही आयाम नहीं है, यहाँ 2 आयाम हैं। एक जिसमें हम इंसान रहते हैं और एक जिसमें ये शैतान रहते हैं, जिन्हें हम भूत प्रेत मानते हैं। ये कभी कभी नजर आते हैं, क्योंकि इन्होंने भी अपनी तकनीक बहुत अच्छी बना रखी है और हमारी तकनीक भी हम इंसानों से छिपाकर अच्छी बनाते जा रहे हैं। हमारा आपस में युद्ध चलता रहता है। और अब आप पांचों को उस आयाम में भेजा जाना है ताकि हमारी सेना और भी तगड़ी हो सके, उनसे मुकाबला किया जा सके। और इस जगह पर जितने भी वो बड़े बड़े शैतान बचे हैं, उन्हें मौत के घाट उतारना है ताकि हम हावी हो पाएं और ये युद्ध हम जीत सकते हैं। उनका खात्मा बहुत नज़दीक आ चुका है। बस एक बार पूरी तरह से वो ख़त्म हो जाएं, ये युद्ध हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मेरे होश उड़ चुके थे। क्या सच में ये जो अदृश्य इंसान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये किसी और आयाम में हैं जो हमारी धरती पर ही है? हमें उसके बाद 5 दिन तक ऐसी किताबें दी गई थी जिसमें विज्ञान की बातें समझाई गई थी, कैसे अलग अलग आयाम काम करते हैं। हमारी ये धरती, जिसे हम भौतिक दुनिया कहते हैं, कुछ चीज़ों को हम छू पाते हैं, ये हमारा पहला आयाम है। इसके बाद एक दूसरा आयाम है जिसमें वो शैतान किसी और ग्रह से आकर बस चुके हैं। वहाँ से वो निकलकर इस आयाम के लोगों को तंग करते हैं, इंसानों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इंसानों ने अपनी तकनीक से उनके खिलाफ बहुत बड़े युद्ध जीते हैं, इसलिए अब वो बहुत कम बचे हैं। उनकी बातों को खुफिया बनाकर छिपा दिया जाता है, इसीलिए सरकारें भूतों की जितनी खबरें होती हैं उन्हें झूठ बताती है ताकि लोग घबरा ना जाएं। हम उनके आयाम में जाकर उनसे युद्ध करते हैं, उन्हें मौत के घाट उतारते हैं और बहुत कम वैसे शैतान बचे हैं, उनका बस अंत करना है। और उस आयाम में पहुंचने के लिए हमें अपनी धरती की ऑर्बिट से बाहर निकलना होता है। एक अलग तरह का रॉकेट बनाया जाता है
जो हमारे ऑर्बिट से आधा बाहर निकलता है और बाकी फिर से आधा वापस ऑर्बिट में आ जाता है और वो दूसरे आयाम में हम पहुंच जाते हैं। हमें अब दूसरे आयाम में भेजा जाना था। उन किताबों को पढ़ने के बाद हमें न्यूयॉर्क भेजा गया। वहाँ पर हमें बताया गया कि किस तरह नासा का एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम कुछ सैटेलाइट्स चांद पर भेजने वाले हैं और उसी रॉकेट में हम पांचों को भी बिठाया जाएगा। पूरी दुनिया ये जानती होगी कि वहाँ सिर्फ सैटेलाइट्स ही भेजे जाएंगे लेकिन हम भी वहाँ पर होंगे, कोई नहीं जानता होगा। हमारी शख्सियत ही जैसे पन्नों से गायब कर दी जाएगी। हम इतिहास में कभी रहे ही नहीं, इसलिए हमारे दस्तावेज भी खत्म कर दिए जाएंगे। और उस रॉकेट में बैठकर मेरी आंखों से पहली बार आंसू निकले थे। ऐसा लग रहा था इस दुनिया से ही कहीं और जा रहे हैं। शायद एस्ट्रोनॉट्स जो चांद पर जाते हैं वो भी ऐसा एहसास नहीं पाते होंगे। उस रॉकेट में बैठकर ऐसा डर सा लगा था। वहाँ हम जैसे ही ऑर्बिट के पास पहुँचे वहाँ कुछ अजीब सा एहसास हुआ था, जैसे धरती लंबी सी हो गई हो। ऑर्बिट में हमारा वो पीछे वाला हिस्सा रॉकेट से अलग हो गया था और वहाँ हम अलग अलग रंगों में घुसते गए थे और बाद में हमारा वो हिस्सा दोबारा धरती की तरफ आने लगा। कभी भी धरती की ऐसी तस्वीरें नहीं देखी थी जैसी नीचे गिरता हुआ हमारा वो रॉकेट का हिस्सा हमें अपनी आँखों से दिखा रहा था। हमारा वो रॉकेट का हिस्सा धीरे धीरे थोड़ा सा गर्म होने लगा, उससे धुआं निकलने लगा था और उसके बाद वो पैराशूट खुला और हमारा वो हिस्सा धरती तक पहुंचा। हम समंदर में थे और वहाँ एक बड़ी सी बोट थी जो पहले ही खड़ी थी। हम बड़ी मुश्किल से उस रॉकेट के हिस्से से निकले, उस बोट पर बैठे और उसे चलाकर समंदर के एक किनारे पर जाने लगे। हमें डेढ़ दिन लगा था चप्पू चलाते चलाते समंदर के एक कोने तक पहुँचने में। कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया हुआ था। हमें आर्मी के काफ़ी एडवांस सूट दिए गए थे, हमने वो सूट पहन रखे थे। उसके बाद जैसे ही हम समंदर के किनारे पर पहुंचे, ये बीच पहचान में आ रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स का ये फेमस बीच था लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं था। ध्यान दिया मैंने, रेत हिल रही थी, रेत में छेद हो रहे थे। ऐसा लग रहा था दिखाई नहीं दे रहा लेकिन लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये हम अलग आयाम में थे जहाँ पर उन्हें हम दिखाई नहीं देंगे, हमें वो दिखाई नहीं देंगे। हम धरती पर ही मौजूद हैं लेकिन लोगों की आंखों से ओझल, हमें बस वो शैतान दिखेंगे क्योंकि हम उनके आयाम में हैं। यहाँ पर माहौल बहुत ही अजीब सा था। हवा में कुछ कण से उड़ रहे थे लेकिन ये राख के कण थे, जैसे ही हमारे शरीर को छूते वो गायब से हो जाते। यहाँ पर पेड़ पौधे भी काले रंग के दिख रहे थे जो इस बीच पर होते ही नहीं। शायद इस आयाम में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आयाम में नज़र नहीं आती। ये पेड़ भी बहुत अजीब से, इन्हें छूते ये राख की तरह नीचे बिखर से जाते और कुछ समय बाद दोबारा जुड़कर पेड़ का रूप ले लेते। ऐसा लग रहा था बादल घिरे हुए हैं लेकिन बार बार छंट जाते और धूल की तरह उड़ते वापस बादलों की तरह बन जाते। ये आयाम काफ़ी अजीब सा था और शरीर जैसे जैसे आगे हम बढ़ रहे थे वज़न बढ़ता जा रहा था। चलने में परेशानी सी हो रही थी लेकिन हमें ट्रेनिंग दी गई थी, हम संभाल सकते थे। बार बार ऐसा लगता जैसे ग्रेविटी बढ़ रही है और फिर एकदम से कम सी हो जाती, एकदम ग्रेविटी ज़ीरो के बराबर हो जाती और पैर हवा में लहराने लगते। अचानक से ग्रेविटी बढ़ती, दोबारा हम ज़मीन पर आ जाते। ज़मीन पर आते ही ये सब हो क्या रहा था, पानी पर तो सब कुछ बिल्कुल सही था। हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगे थे। हमें जो मैप पर लोकेशन बताई गई थी वो यहाँ से कुल 40 किलोमीटर की दूरी पर थी और हमें वो रास्ता खुद ही नापना था। यहाँ हमारी मदद करने के लिए भी कोई नहीं आएगा। आना तो चाहिए था, हम इस आयाम में हैं। अगर उस आयाम की कोई गाड़ी यहाँ पर आ जाती हम उसमें बैठकर शायद आगे बढ़ सकते थे। क्या ये आयाम में वो चीज़ें चलती नहीं, कैसे? मैं समझने की कोशिश कर रहा था क्योंकि यहाँ पर आधी चीज़ें हिल रही थी, इंसान नज़र नहीं आ रहे थे, इंसानों ने पहने हुए वो कपड़े भी नज़र नहीं आ रहे थे। फिर भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जो साफ साफ दिख रही थी। कुछ बर्तन पड़े हुए थे, कुछ कपड़े जो ज़मीन पर लिटाए गए थे। उसके बाद हम रोड की तरफ बढ़ने लगे। कई गाड़ियाँ थीं यहाँ पार्किंग में खड़ी थी, कुछ के दरवाजे अपने आप खुलते अपने आप बंद हो जाते। यहाँ पर पानी बार बार जैसे सड़कों पर बिछता चला जाता।
समंदर का पानी जैसे उछाल मारकर वहां पार्किंग तक आ रहा था, लेकिन हमारे आयाम में ऐसा नहीं होता। यहां आगे बढ़ने में परेशानी होने लगी थी। हमें डर था उन शैतानों का। यहां धीरे धीरे अंधेरा घिर सा जाता, और जब अंधेरा घिर जाता हम सर पर लगी वो लाइट जला लेते और देखने की कोशिश करने लगते। वो कण अब आगे बढ़ते बढ़ते जैसे बहुत ज़्यादा होने लगे थे। सांस लेने में परेशानी हो रही थी, देखने में परेशानी हो रही थी। हमने वो मास्क पहन रखा था तब जाकर सांस ले पा रहे थे, लेकिन जब बिल्कुल छंट जाते वो कण फिर से हम मास्क उतारते। इस तरह आगे बढ़ रहे थे। जो लोकेशन हमें बताई गई थी ये वो कॉलोनी है जो हमारी दुनिया में बिल्कुल वीरान पड़ी है, और कहा जाता है दुनिया की सबसे भूतिया जगह है वो। वहीं पर हम बढ़ चले थे। उस सड़क के पार जाते ही एक अजीब सा काले रंग का कुत्ता नजर आया था। वो अधमरा सा कुत्ता दिख रहा था जिसकी एक आंख बिल्कुल सफेद रंग की थी, जैसे उसे मशीन पहनाई गई हो। वो आंख नकली थी। वो हमारी तरफ पूंछ हिलाता हुआ आ गया और हमने अपनी बंदूकें उस तरफ तान दी थी। हर कहीं कहा जा रहा था कि यह खतरनाक हो सकता है। हम पांचों बिखर चुके थे, थोड़ी दूरी पर जा चुके थे, लेकिन एक कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ हमारे करीब आ रहा था। हमें डर जरूर लगना चाहिए, ये मासूम सा कुत्ता हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है, हम उनकी दुनिया में हैं। वो हमारे करीब आ रहा था। वो हमारे जैसे ही करीब आया, हमें सामने वो पार्किंग के पीछे कोई दिखा। इस डायमेंशन में हमें वही दिखेगा जो इस दुनिया का होगा, यानी कि वो शैतान ही होना चाहिए। वहां पर वो दिखा था और मेरे एक साथी ने उस कुत्ते पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उसने ये कहा था, इसके आंख में कैमरा है, वो हमें देख सकते हैं, हमें इसे मारना होगा। गोलियों से उस कुत्ते को हमने भून दिया था, और वो भी अब भागने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन तड़पता तड़पता रेत के ऊपर ही बिछ गया। रेत धीरे धीरे उसे जैसे अंदर की तरफ खींचना शुरू हो गई। उसकी लाश भी जमीन में दफन हो चुकी थी। हम भी जहां पर खड़े थे, रेत जैसे अंदर की तरफ हमें धंसा रही थी, और हमने भागना शुरू कर दिया। हम उन गाड़ियों पर गोलियां नहीं बरसा सकते थे। ये एक ऐसा बीच है जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, और यहां पर गोलियां बरसाने का मतलब गाड़ियों में निशान बनेंगे और शायद लोग डर जाएं कि यहां पर भूत प्रेत हैं। हमें सिखाया गया था हमें कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे लोग डर जाएं। हम बस वहां भागते हुए उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, और वो भी पीछे वाले उस बाजार के बीच से निकल रहा था। चीज़ें अपने आप हिल रही थी। ऐसा लग रहा था यहां लोगों की भीड़ होगी। बार बार हम लोगों से टकरा रहे थे, लेकिन वो दिख नहीं रहे थे। इसलिए हमें पीछे वाले रास्ते का चुनाव करना था, लेकिन वो 8 फुट का आदमी इस तरह से भाग रहा था जैसे उसने कुछ जान लिया हो। एक चौराहे के करीब हमने उसे घेर लिया। वो भी अब भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमें मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो शायद लोगों को परेशान कर रहा होगा, और हमने उसे यहीं पर पकड़ लिया। मैं उससे बात करना चाहता था, उसे बंदी बनाना चाहता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा। हमें यही सिखाया गया था कि इनके पास शक्ति बहुत है, इनके पास तकनीक बहुत अच्छी है। हमने जैसे ही उस पर गोलियां बरसानी शुरू की थी, उसने जो सूट पहन रखा था उस पर गोलियां अंदर तक नहीं जा पा रही थी, भेद नहीं पा रही थी, लेकिन उसे दर्द हो रहा था। वो बार बार कराहता, भागने की कोशिश करता, और अंत में उसने भी अपने हाथ में पकड़ी वो बंदूक चलानी शुरू कर दी। उसके अंदर से भी एक लाल रंग की रोशनी सी निकलती। वो रोशनी जिस भी चीज़ को छूती वो अपने आप कटफट सी जाती। वो हम पर गोलियां चला रहा था। ये परग्रही तकनीक थी जो हम पर इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन हमारी गोलियां भी उसके उस कवच को भेद ना पा रही हों। लेकिन उसके सर पर तो गोलियां हम चला ही सकते थे, उसने कुछ नहीं पहन रखा था। ये 8 फुट का इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन ये परग्रही है, हमें सिखाया गया है। सर पर मारी गई गोलियां काम कर गई और वो वहीं पर ढेर हो गया था। खींच कर हमने उसे वहीं रेत में दफना दिया। हमें सिखाया गया था किसी लाश को इस तरह से नहीं छोड़ना है, किसी जगह पर किसी लाश को नहीं छोड़ सकते, उन्हें रेत में दफन करना होगा, ज़मीन में दफन करना होगा, ऐसी जगह पर दफनाना होगा जहाँ से कोई सबूत ढूंढ ना पाए। हमारी दुनिया के लिए वो अदृश्य होंगे, लेकिन इस आयाम में, इस डायमेंशन में वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। हमें 6 घंटे लगे थे वो 30 किलोमीटर का सफ़र तय करने में। हम चलते रहे थे। उसके बाद हमने कई चीज़ों का इस्तेमाल किया। वहाँ पर जानवर भी थे,
उस दुनिया में वो अजीब से जानवर जो भी हमें सही लगते हम उनकी सवारी करने लगते। हमारी दुनिया में भी ऐसे जानवर हैं, लेकिन यहाँ हाइब्रिड से जानवर थे। शायद यहाँ इन पर ग्रहियों ने इन जानवरों का इस्तेमाल भी किया है, शायद ये इनका शिकार भी करते होंगे। हम रास्ते में वो भयानक भयानक चीज़ें भी देख रहे थे। उन्होंने बड़े बड़े हथियार भी बना रखे थे जो यहाँ पर धरती में गड़े हुए थे। यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें थीं जो चल रही थीं, ज़मीन से कुछ निकाल रही थीं। इस आयाम में वो काम कर रहे हैं और हमें कहा गया था किसी चीज़ को तबाह नहीं करना है, बस उन्हें मिटाना है। वो रास्ता पार करते करते हमें कई अजीब तरह की फसल भी दिखाई दे रही थी, जो हमारी दुनिया में बंजर इलाके हैं जहाँ पर कुछ नहीं उगता, यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं, काले रंग की फसलें। हमने तोड़कर उन्हें खाने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि हमें ये ट्रेनिंग दी गई थी कि इस दुनिया की किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पर किसी से बात नहीं करनी है। वो दिमाग पर कंट्रोल करने लगते हैं, वो हमारे दिमाग को इस तरह बहका सकते हैं कि हम वो सोचने लगते हैं जो हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। हम अपने देश से दूर हो जाएंगे, हम अपनी इंसानियत से दूर हो जाएंगे, वो हमें बहका कर खुद के करीब ले जाएंगे। इसलिए उनकी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। हम अपने लिए जो जो लेकर आए हुए थे हम उसे ही खा रहे थे। सफ़र काफ़ी लंबा रहा, लेकिन हम उस कॉलोनी तक पहुंच ही गए। वो भूतिया कॉलोनी मैंने एक बार देखी थी, तस्वीरें तो बहुत ज़्यादा देख चुका था मैं, मुझे पता था कहाँ कहाँ पर क्या है। ट्रेनिंग में वहाँ घुसने के बारे में हम पहले से बहुत ज़्यादा अभ्यास कर चुके थे, पहले घर में पहुँचे थे और वहीं से हमें वो शैतान दिख गए थे। दूर वो वैसे सूट पहने हुए वहाँ चीज़ें उठाकर दूसरी जगह पर रख रहे थे, ऐसा लग रहा था वो यहाँ पर सभ्यता बसा चुके हैं। वो हम इंसानों को ख़त्म करने के लिए अपनी सभ्यता बढ़ा रहे हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। वो परग्रही हैं जो धीरे धीरे धरती पर कब्जा करना चाहते होंगे, इसीलिए उन्हें मारने के लिए हमें यहाँ पर भेजा गया है। यहाँ इंसानों के कई मिशन्स होते हैं जो इन्हें धीरे धीरे मारकर धरती से लुप्त करने के लिए हैं। जब इनकी संख्या पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएंगे, तब हमारा धरती पर राज होगा और हम सुख से रह सकेंगे। जब तक ये हैं हम सुखी नहीं रह सकते। इस कॉलोनी के बिल्कुल बाहर पहुंचकर हमने जो घड़ियां पहन रखी थी उसमें मैप दिखाया गया था। 20 लोग हमारे डायमेंशन में भी इस कॉलोनी के बाहर खड़े होंगे, उनके पास भी हथियार होंगे, वो उसका इस्तेमाल अपनी दुनिया में करेंगे अगर हमें कुछ परेशानी होगी। हमें एक बड़े से बैंड दिए गए थे, वो बैंड अगर हम उनके गले में पहना दें तो वो आधे इस डायमेंशन में होंगे, आधे उस डायमेंशन में होंगे, और वहाँ से भी उन्हें मारा जा सकता है। अगर कभी हम फंस गए तो ये बैंड बस उन्हें पहनाने हैं, और वहाँ हमारी आर्मी भी उन्हें मारने के लिए तैयार होगी। अब लोगों को भूत बनकर ये ज़्यादा समय तक डरा नहीं पाएंगे। यहाँ उन्होंने काफ़ी खेतों में फसल बीज रखी थी, घरों के ऊपर भी फसलें बीज रखी थी, उन्होंने जानवरों को पाला हुआ था। वो जैसे हमारी सभ्यता की तरह ही यहाँ पर जी रहे थे और हमने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। घड़ी पर जो मार्क आ रहे थे वो हमारी दुनिया के सोल्जर्स थे जो उस कॉलोनी को पूरी तरह से घेर रहे थे। उसके बाद हमने भी धावा बोल दिया, गोलियां चलने लगी थी और उन्होंने भी मुकाबला करना शुरू कर दिया। पहले तो वो घबरा गए थे, कुछ वैसे शैतानों को सर पर गोली मारकर पहले ही मार दिया गया था। यहाँ बहुत कम थे जिन्होंने सूट पहन रखा था, यहाँ बड़ी बड़ी औरतें भी थीं, ये वैसे ही थे। यहाँ जैसे ही ग्रेविटी बढ़ती वो जैसे तेज़ी से भागने लगते, लेकिन हमसे भागा नहीं जाता, तब गोलियाँ ही हमारा सहारा बनती। लाशें बिछ रही थी, उनकी संख्या 50 से ज़्यादा थी और हमें सबको जान से मारना था, हमें बेरहमी से उन्हें मारना था। वहाँ बच्चे भी थे जो हमारे कद के थे, लेकिन उन पर भी गोलियाँ बरसानी थी। मेरे साथी तो उन बच्चों को भी मार रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझ में रहम आ गया था। एक बच्चा जो मेरे सामने रोए जा रहा था वो छिपा हुआ था, हमारी तरह ही वो भी डरा हुआ था जैसे मैं उसे मार दूंगा। पहली बार मेरे हाथ लड़खड़ा रहे थे, मेरे हाथों से वो गोली चल नहीं पा रही थी। मैं बंदूक चलाकर उस मासूम बच्चे को नहीं मारना चाहता था, भले ही वो शैतान का बच्चा था। वो इस दुनिया में रहने वाले परग्रही भले ही हूं, लेकिन वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। मेरे हाथ से गोली चली ही नहीं, लेकिन मेरे साथी ने सीधा उसके सर पर गोली मारी थी।
वो भयंकर सा युद्ध था जिसमें मेरे 3 साथी मारे गए थे। हम 2 ही बचे थे और वो भी 5 से 7 ही रह गए थे। हमारे पास बंदूकें थी लेकिन गोलियां कम पड़ने लगी थी। तभी घर उड़ने लगे, जैसे हमारे आयाम में इन घरों को डायनामाइट से उड़ाया जा रहा हो। वो वहां से भागने लगे थे, शैतान उस कॉलोनी से दूर भागने लगे थे, और उन्हें मौत के घाट उतारना था, बचने नहीं देना था किसी को। वहां सिर्फ बड़े बचे थे, हम 2 और वो 5 से 7। हम गोलियां चलाते हुए उनका पीछा करने लगे। 2 ने तो सूट पहन रखा था, बाकियों ने सूट नहीं पहना था। 2 को वहीं ठेर कर दिया। अब बिना सूट वाले बचे थे जो आगे भाग रहे थे। वहां पेड़ लगे हुए थे, ये जंगली सा इलाका था, लेकिन वहां भागने की जगह नहीं थी उनके पास। रिहायशी इलाकों की तरफ वो बढ़ने लगे और वहां पर कण बहुत ज्यादा थे, इस कारण दूर तक देखा नहीं जा रहा था। पीछा करते रहे थे और अचानक मेरे साथी का गला किसने रेत दिया पता ही नहीं चला। तेज धार कोई हथियार से जैसे उसका गला धड़ से अलग कर दिया गया था। अब मैं अकेला था और वो शायद 3-4 होंगे। एक तो मेरे सामने जो उसका गला रेत कर गया था मेरी गोलियों का शिकार हो चुका था और काफी आगे निकलने के बाद तड़पता हुआ दिखा, और मैंने उसके सर पर गोलियां मार दी थी। वहां कुछ ही बचे थे और आगे मैं जाता गया, वो मुझ पर हमला करने की कोशिश करते और मैं गोलियों से भून देता। 3 में से 2 मार दिए थे, 1 ही बचा था और मेरी आंखें चमक गई थी। मैं मरूंगा, उसे साथ लेकर मरूंगा, शायद इस इलाके से इन भूतों का, इन परग्रहियों का अंत हो जाएगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। 1 पेड़ के पास मेरी बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी थी। मैंने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया था, उसके हाथ में भी एक तेज धार हथियार था। यहां कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इनकी तकनीक इतनी आगे है तो ये इन हथियारों से क्यों लड़ रहे हैं। बड़ी आसानी से हमारी गोलियों का शिकार हो गई है। हमें जो जो सिखाया गया था कई चीजें तो वैसी निकली ही नहीं, और वो चीज जो हमसे खास तौर पर कही गई थी, इनसे बात नहीं करनी है, इन्हें देखते ही मार डालना है, मैं उसके उलट चल पड़ा था। वहां वो सामने लड़ने की कोशिश कर रहा था, वो रोए जा रहा था, घबरा सा गया था। वो कोई लड़ाका नहीं लग रहा था, वो साधारण इंसान जैसा लग रहा था, 1-8 फुट का साधारण सा इंसान जो डरा हुआ हो। लेकिन ये परग्रही है ना, मैंने उससे बात करने की कोशिश की, क्या तुम मेरी भाषा जानते हो, क्या तुम इंग्लिश जानते हो। उसने हाँ कह दिया था, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने भी उससे कहा, देखो मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, मुझे माफ़ करना, तुम्हें जिंदा छोड़ने के ऑर्डर्स नहीं है, मारूंगा ज़रूर, लेकिन अगर तुम हमला नहीं करोगे तो मैं दर्दनाक मौत नहीं दूंगा, बहुत आसान मौत दूंगा। वो भी मुझसे कहने लगा था, मैं मरना नहीं चाहता, यहाँ से दूर चला जाऊँगा, मैं दूसरी जगह चला जाऊँगा, देखो नुकसान नहीं करूँगा। उसने मेरे सामने वो हथियार नीचे रख दिया था। मुझे कभी भी निहत्थे को मारना पसंद था ही नहीं। मेरे हाथ में हथियार था जो मैं उसके सर में घोंप कर उसका सर धड़ से अलग कर सकता था, लेकिन एक निहत्थे पर वार करने की हिम्मत मुझ में थी ही नहीं। मैं कोशिश भी करता तो उसे मार नहीं सकता था। वो बस डरता हुआ, कांपता हुआ मुझसे माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था, मुझे जाने दो, एक शैतान को मैं छोड़ नहीं सकता था, मुझे शायद निकाल दिया जाएगा काम से, या मेरे खिलाफ कई केस दर्ज हो जाएंगे, शायद मैं जेल भी पहुंच जाऊं, क्या इसे छोड़ना चाहिए। मैं उससे बातें करने लगा था जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं अब सवालों का जवाब चाहता था, बहुत कम लोग होंगे जो इनसे सवाल करते होंगे और इनसे जवाब पाते होंगे। मैंने कहा, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं, मेरे सवालों का जवाब देते जाओ, कौन कौन सी तकनीक बनाई है तुमने, कहाँ कहाँ कॉलोनियाँ बना रखी हैं, किस किस देश में तुम्हारी संख्या सबसे ज़्यादा है, मुझे सब बताओ, उसके बाद शायद मैं तुम्हें छोड़ दूँ। उसने भी बताना शुरू कर दिया, हम जहाँ जहाँ पर बचे हैं छिप कर रहते हैं, कई जगह जहाँ पर जंग चल रही है, वो जंग हमें मारने के लिए चल रही है, तुम्हें शायद पता भी नहीं होगा, हम अंडरग्राउंड रहते हैं, वैसी गुफाओं में जहाँ पर फसल उगाई जा सकती है, हम वहाँ छिप कर रहते हैं, बाकी किस किस देश में रहते हैं मुझे नहीं पता, मैं दूर तक नहीं जा पाया हूँ, तुमसे ही तो जानकारी मिलती है, तुम्हारे उपकरण जो यहाँ पर रह जाते हैं, जो हम चुरा लेते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा, क्या मतलब हमारे उपकरण,
तुम्हारी तकनीक तो हमसे भी बहुत आगे होगी, तो हमारी चीजों का इस्तेमाल क्यों करते हो? तुम तो अपने ग्रहों से बहुत आगे की चीजें लेकर आए होंगे, हम तो इतनी दूर तक जा भी नहीं पाए। तुम तो बहुत दूर से आए हो ना? वो भी आंखें बंद करके डरता डरता सा कहने लगा था, अगर हम कहीं और से आए होते तो तुम्हारी दुनिया पर हम राज नहीं कर रहे होते। हमारी तकनीक इतनी आगे होती तो तुम्हें अब तक मार नहीं दिया होता। हमें छिपकर रहने की जरूरत क्या है? इसका जवाब नहीं था मेरे पास। मैंने घबराते घबराते कहा था, झूठ मत बोलो, मुझे बहकाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुम यहां पर किसी और ग्रह से आए हो और हमें मारना चाहते हो। तुमने यहां इस आयाम का निर्माण किया है और यहीं से छिपकर हम पर हमला करते रहते हो, लोगों को डराते हो। हम पहले माना करते थे कि भूत प्रेत हैं, हमने पता लगा लिया तुम हम पर कब्जा करना चाहते हो। इसके बाद जो जो उसने कहा था, मेरे पैरों तले जमीन खिसकने लगी थी। मैं उसकी बातों में आने लगा था। उसने कहा था, अगर हम कहीं और से आए होते तो छिपकर रहने की क्या जरूरत थी? हमारी तकनीक इतनी आगे होती तो युद्ध में हार थोड़े ना रहे होते। इस आयाम का निर्माण हमने किया होता तो तुम्हें कब का मार चुके होते। तुम हो जो किसी और ग्रह से आए हो। 500 साल पुराना इतिहास पढ़ा होगा तुमने, किस तरह से हम यहां पर रहा करते थे। हमारे आकार 8 फुट से 10 फुट हुआ करते थे। तुम इतिहास में पढ़ते हो ना, तुम्हें क्या लगता है तुम पहले इतने बड़े हुआ करते थे? तुम दूसरे ग्रह से आए थे, हमने तुम्हारा स्वागत किया, रहने के लिए जगह दी। ये आयाम तुमने बनाया था अपने रहने के लिए, लेकिन उसके बाद यहां पर सिर्फ हम बचे। तुमने हमें मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हम खत्म होते गए, तुम्हारी संख्या बढ़ती गई। अब तुम धरती पर राज करते हो और हम खत्म होने वाले हैं। हम धरती के निवासी, हम इंसान, और तुम खुद को इंसान कहने लगे हो। शायद तुम भी उन्हीं में से एक हो जिन्हें ज्यादा कुछ बताया नहीं जाता, बस लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। तुम इंसान नहीं हो, हम इंसान हैं। तुम परग्रही हो जो राज कर रहे हो और हमें खत्म करना चाहते हो। जब इस धरती पर भी सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, तुम कहीं और निकल लोगे। यही तो तुम करते हो, सब कुछ खत्म करते रहते हो। मंगल ग्रह पर जब तुम रहे थे, यहां पर तुम्हारी कहानियां सुनाई जाती थी कि तुम बेरहम हो, लेकिन हमने तुम्हारा स्वागत किया था। तुमने उस ग्रह को भी बंजर बना दिया जैसे इस ग्रह को बना रहे हो। अब तुम फिर से किसी और ग्रह की तलाश कर रहे हो, क्योंकि इस ग्रह को भी जल्द खत्म कर दोगे और हम भी यहां पर खत्म हो जाएंगे। तुम हमें भी जिंदा नहीं छोड़ोगे, हम जानते हैं तुम्हारा मुकाबला नहीं किया जा सकता। कोई जानवर, कोई जीव धरती पर तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाता। तुम हर किसी को खत्म कर देते हो। और अभी तक तो तुम्हें पता भी नहीं होगा कि स्पेस एक्सप्लोरेशन क्या होती है। तुम्हें यही बताया जाता होगा कि हम दूर वाले ग्रहों तक नहीं जा पाते, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी तकनीक बढ़िया होती जाएगी, जो पहले से ही बहुत आगे है, धीरे धीरे तुम्हें बताया जाता है। और जब ये ग्रह भी खत्म होने वाला होगा, तुम नई जगह पहुंच जाओगे, अपनी डींगे बखारोगे और उस ग्रह को भी इसी तरह विनाश की कगार पर ले जाओगे। मैं जानता हूं तुम मुझे मार डालोगे, लेकिन रहम करने के लिए तुम्हारे अंदर भी कुछ होना चाहिए। मुझे छोड़ दो, हम बस जीना चाहते हैं। तुम ही बताओ, हमने तुम्हारे साथ बुरा किया क्या है? बस कुछ नजर आते हैं, बस थोड़ा सा डराते हैं, और वो भी हम नहीं करते, तुम डरते हो। अंधेरे में अगर हम नजर आ जाएं तो तुम डर जाते हो। हम क्या किसी को मार डालते हैं जैसे तुम मारते हो? तुम तो अपनी ही प्रजाति को जंग के नाम पर मारते रहते हो। तुम जमीन के नाम पर मारते रहते हो, तुम खाने के नाम पर मारते हो, और अब पानी के नाम पर भी मारना शुरू हो गए हो। क्या हमें कभी ऐसा करते हुए देखा है तुमने? हम तो बस कुछ झलक दिखाते हैं, छिपकर रहते हैं, क्योंकि तुमसे बचना पड़ता है। बताओ, शैतान कौन है? मेरे हाथ में पकड़ा वो चाकू हाथ से गिर चुका था। मेरी आंखें खुल चुकी थी।
मैं उसे मारना ही नहीं चाहता था। मेरी आंखों के सामने भाग कर गया था। जो जो हमें बताया गया था वो बहका सकते हैं, उनके पास शक्तियां हैं, वो शैतान हैं, वो भूत कहलाए जाते हैं, वो इस आयाम में रहते हैं। हर चीज झूठी, हर चीज झूठी। वो परग्रही नहीं है, हम परग्रही हैं। मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया था और वापस चल पड़ा था उसी जगह। मैं ये जानना चाहता था कि हमें यहाँ पर तो भेजा गया है, लेकिन यहाँ से वापस आने का कोई रास्ता बताया नहीं गया था। बस ये कहा गया था कि इन्हें मारना है, ये मर जाएंगे तो मैं वापस अपने उस डायमेंशन में कैसे आऊँगा, ये बताया ही नहीं गया था। वो पूरी कॉलोनी जला दी गई थी। वहाँ मेरी घड़ी में कोई भी सोल्जर दिख नहीं रहा था। मैं किसी से बात नहीं कर सकता था। मैं यहाँ से बचकर कैसे निकलूँगा मैं जानता तक नहीं था। मैं उसके बाद 2 दिनों तक भटकता रहा था, भूखा प्यासा। मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया था। हम इंसान ऐसे ही हैं, या कहूँ हम परग्रही ऐसे ही हैं। हम बस अपना काम निकालते हैं। मैं भूखा भटकता हुआ उन शैतानों की एक ऐसी जगह पर गया था जहाँ उन्होंने मुझे जिंदा रखा था। मुझे विश्वास हो गया था सच्चाई क्या है। झूठ पर झूठ बताया जाता है। हम क्या हैं हमें सच पता ही नहीं होता। मैं इस कहानी को एक किताब पर लिखता गया। मैं जानता था कैसे अपने आयाम में जाया जा सकता है और ये जानकारी मुझे उन्होंने दी थी। वो इंसान जो धरती के असली रिहायशी वाले हैं, ये जानवर जो इस आयाम में हैं, ये धरती के वासी हैं। हमने अपने काम के लिए हाइब्रिड बनाए, हम उनके दिमागों पर कंट्रोल करते हैं। मैं अब भी इस आयाम में हूँ। मैं ट्रेनिंग देता हूँ उन्हें जिन्हें शैतान कहा जाता है। आप उन्हें भूत प्रेत समझते होंगे, पिशाच समझते होंगे, जो कभी कभी नजर आते हैं। वो इस आयाम के वासी हैं, वो धरती के वासी हैं, वो इंसान हैं और हम शैतान कब्जा किए हुए हैं। मैं नहीं जानता आप मेरी बातों पर यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन एक बार अकेले में बैठकर सोचने की कोशिश करिए। क्या इंसानियत वैसी होती है जैसा हम सब करते हैं?